हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल समर्थ बेबी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। तो यस गाइस, आज डे है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है 5:30। यस 5:30 हो रहा है और मैं हूँ रेडी। तो अभी बस मुझे डालना है कुर्ता। अभी जस्ट मैंने जींस पे मैंने सिर्फ शर्ट वेयर किया हुआ है, ये नॉर्मल घर पे जो करती हूँ। तो अभी मैं कुर्ता वेयर करूंगी, पहले बाबू को रेडी करूंगी, उसके बाद अभी बाबू गया है लेने डैडू के साथ डायपर। डायपर खत्म हो गई थी बाबू का और एक्चुअली मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ फर्स्ट क्राई से, आप लोगों को पता है जैसे कि। तो वो आने में अभी एक दो दिन लग जाएगा। आज हाँ मैंने कल ही ऑर्डर किया है, तो देख सकते हैं सारी तैयारियां हो गई है मेरी, वो बैग वहां पे बिल्कुल रेडी है और मैंने ऑलमोस्ट सारा पूरा मेरा जो घर, यही होता है ना अकेले वाले लोग जो भी होते हैं, कहीं जाओ तो परेशानी, कहीं से आओ तो परेशानी, क्योंकि जाने आने का मतलब ये होता है पूरा घर का क्लीन करके जाना और फिर आने के बाद क्लीन करना। तो मैंने भी वही वाला ही लिप कलर लगाया। आप लोग बताए नहीं मुझे कमेंट करके कि कैसा है ये लिप कलर, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ये वही है जो मनीष जी लेके आए हैं, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आज ना सिंदूर थोड़ा सा तिरछा लगा लिया। एक्चुअली मेरी सिंदूर भी खत्म है, खत्म हो गई है, मैं लिक्विड वाला लगाती हूँ, खत्म है। तो ये मैं वैष्णो देवी वाला सिंदूर लगाई हूँ, ये सूखी सिंदूर है, इसका भी एक अलग ही लुक आता है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से, जा रही हूँ मैं मम्मी के घर। हे गाइस, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, रेडी है बस निकलने के लिए। मेरा सारा काम हो गया, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था जो थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने फिनिश कर लिया है और बैग वगैरह पैक हो गया है। मैं वही दुपट्टा डाल रही हूँ और मनीष जी बैग वगैरह ले लिए हैं और मैं फाइनल देख रही हूँ कहीं कुछ मैंने भूला तो नहीं, तो वो चेक करना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हम लोग जहाँ कहीं भी निकलते हैं, हर कोई ऐसा करता होगा कि भगवान जी से पहले हम लोग भगवान जी से थोड़ी सी बातें करते हैं कि हे भगवान, अच्छे से हमारा सफ़र रहे, चाहे थोड़ी सी दूरी क्यों ना जाना हो, लेकिन फिर भी अपने घर की जो मंदिर होती है वहाँ पे हाथ जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, एक सुकून मिलता है। तो बस मैं निकल चुकी हूँ अपना रूम से और मनीष जी लगाएंगे, अभी गेट बंद करेंगे। ये देख सकते हैं मेरी सिस्टर इन लॉ है, ये बाबू को ले रखी थी और रो रहा था बाबू, दे नहीं रही थी वो। होता है कि हाँ दो चार दिन के लिए दूर हो रहा है तो इसी वजह से वो दे नहीं रही थी मुझे, बट फिर भी मैंने ले लिया है इसको। सॉरी गाइस, ये किट्टू पास में खेल रहा है तो ये इसी की वॉइस आ रही होगी, आवाज थोड़ी सी। तो बस मनीष जी ताला लगा रहे हैं गेट में। हे गाइस, हम लोग ऑटो में आ गए हैं, एक्चुअली कैब वगैरह से नहीं जाते हैं, हम ऑटो से ही जाते हैं, बिल्कुल पास में ही है, मेट्रो में आ गए हम लोग। किट्टू बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, बट हाँ बच्चा है तो थोड़ा तो परेशान करेगा ही ये बार बार। ये बगल में शुक्र है कि दो तीन बच्चे मिल गए हैं, तो उसमें ये बिजी है आज, ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है और डे के अकॉर्डिंग। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से वहाँ पहुँच के घर। हे गाइस, अभी क्या बोलूँ आप लोगों को, गुड नाइट होगा ना या गुड इवनिंग होगा? अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है, अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 10:02 है और ये सिंदूर फैला हुआ है देख सकते हैं। हम लोग घर आ गए हैं, हम लोग आ गए थे वही 8 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे और अभी बस मम्मी खाना बना रही है और बाबू खेल रहा है। और ये देखिए किट्टू लेके आया जिद करके, आज दिखा रही रुको, ये डॉगी है, ये आप लोगों को शायद अभी दिखाती हूँ अच्छे से। हाँ ये देखिए, ये डॉगी ही है और ये कैप पहन रखा है ऊपर, ये किट्टू ने खरीदा, यही चाहिए तो चाहिए करके। और ये देखिए, ये पेन है, चाकू पेन है। किधर से खुलेगा ये बताना, ये पीछे से खुलेगा, ये इस तरफ से, इसका बैक साइड से ओपन होता है ये, और है बहुत सुंदर, बहुत यूनिक लग रहा है ये। ये लाए नहीं है, ये यहीं पे था। कौन लल कर मम्मी? अच्छा कुंदन भाई का है। आप लोग
तो बस अभी पहुंच गए हम लोग यहाँ पे और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि किट्टू भी बहुत खुश है, बहुत बच्चों के साथ अभी भी खेल रहा था वो, तो मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और आज तो बिल्कुल प्लान नहीं था आने का, लेकिन आ गए और आ गए तो अच्छा ही हुआ है, आ गए तो चलिए आप लोगों से। अरे आजा, आ ये कन्हैया लेके आया छुटकू को, इधर आ छुटकू आ जाओ, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हेलो करो, हेलो हेलो हेलो, ये मेरा छोटू सा भतीजा है, हेलो करो, हेलो 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 बोल दो, हेलो। वहां पे भी छोटा बाबू है मेरी सिस्टर इन लॉ का और यहाँ पे भाभी, इसको छोटा क्या हुआ, अभी अभी सो के उठाया है ये, सो के उठाया अभी अभी सोया है, खेल रहा था नीचे लेटा लेटा, क्या हुआ इसको भूख लगा है मजे में, तो बस मम्मी बना रही है अभी दाल चावल भिंडी की भुजिया और पापड़ फ्राई करेगी, तो बस खाते हैं, थक गए काफी ज्यादा, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से गुड मॉर्निंग, मतलब सॉरी मॉर्निंग में पता नहीं क्या बोल रहा है क्या बोल रही हूँ। तो चलिए गाइस अभी मुझे वीडियो पब्लिश करनी है कल वाली, वो मैं पहले पब्लिश कर देती हूँ, तो चलिए गाइस बाय। हे गाइस गुड मॉर्निंग, हाँ मैं खा रही हूँ, मम्मी जा चुकी है ऑफिस और बाबू सो रहा है अभी और मनीष जी कर रहे हैं नाश्ता और अभी मैं नहा चुकी हूँ, जस्ट अभी भी नहाई हूँ, अब मैं भी जा रही हूँ करूँगी नाश्ता। आज मम्मी बनाई है घिया और चने की सब्जी और रोटी और दाल, मुझे बनाना है चावल, फ्रिज में मत रखो वहीं पे रखो। तो बस मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता और गर्मी इतनी ज्यादा हो रखी है बहुत ज्यादा, यहाँ बेसिक नीचे का रूम है यहाँ पे लेकिन गर्मी है, कूलर यहाँ खराब हो रखा है, अभी गया था कूलर लेने के लिए तो अभी वो बना नहीं है, ठीक नहीं हुआ है कूलर। और पता नहीं मुझे ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, मैं यही लगा रही हूँ आजकल, दो तीन दिन जब से लाए हैं तब से मैं यही लिप अप्लाई कर रही हूँ, सिंदूर मैंने अभी लगाया नहीं है, अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी, वो वही देखिए कितना डार्क है, मतलब कल लगाई थी मैं और अब तक है, तो हेयर वॉश करने के बाद भी है, तो मतलब ये वाटरप्रूफ से भी अच्छा है ना। देख सकते हैं यहाँ पे, और अभी मेहंदी वगैरह सब लगाऊंगी मैं अभी कल, हाँ कल मम्मा जाएगी मार्केट तो वहां से सब जो भी मुझे चाहिए होगा वो मैं मंगवा लूंगी या तो फिर मैं ही जाऊंगी। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, और हाँ आज डे है संडे, तो आज मनीष जी भी घर पे ही है, कल ऑफिस जाएंगे यहीं से और उसके बाद पता नहीं कल आएंगे यहाँ या फिर उधर से ही वहाँ घर जाएंगे, तो वो कल, और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ बहुत लाइट, तो चलिए गाइस मैं खा के मिलती हूँ आप लोगों से। ये रहा मेरा खाना, ये घिया और चने की सब्जी भिंडी की भुजिया और रोटी, तो चलिए खा के मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हेलो, हे गाइस गुड आफ्टरनून, अभी टाइम हो रहा है एक, अभी टाइम हो रहा है 2:30 और मैं जा रही थी अभी चाय बनाने के लिए, बट मनीष जी अभी सो रहे हैं वहां पे और किट्टू खेल रहा है, किट्टू आ रहा बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, किट्टू बार बार भाग रहा है इधर उधर, या हाँ खेलो खेलो खेलो, इस वाले इस पे चढ़ रहा है ये बार बार, डर लगा रहता कहीं गिर ना जाए इसीलिए। क्या हुआ शैतानी किट्टा, पता नहीं कल का जो मैंने नाइट में ब्लॉग पब्लिश किया है उसमें कुछ ही मैंने मतलब उल्टे सीधे ब्लॉग मैंने पब्लिश किया, पता नहीं कल क्या हुआ कि मैं उल्टे सीधे ब्लॉग पब्लिश कर दी, जो क्लिप हम लोग एक्चुअली जो लोग यूट्यूबर है वो समझ सकते हैं, हम लोग छोटे छोटे क्लिप बनाते उसको एडिट करते हैं फिर पब्लिश करते हैं, तो उसी टाइम पे मुझसे मिस्टेक हो गया, मुझे कहा मैंने जो एंड किया था उसको मैंने ऐड नहीं किया, जो नहीं एंड किया था उसको मैंने ऐड कर लिया, जो मैंने स्टार्टिंग किया था उसको एंड कर लिया, तो कल पता नहीं कैसे क्या हुआ कल मेरा जो ब्लॉग गया उल्टा सीधा गया है, और किसी ने भी नहीं बताया मेरे को, किसी ने भी नहीं बताया कि मैंने उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं किया था कि मेरे को घर भी आना है, मेरी मम्मी के घर आना है, और मैं जब एंड कर रही थी तो वहां पे मैंने मम्मी को दिखाया और यहाँ का व्यू दिखा दिया था, तो वो मैं एंड नहीं कर रही थी, वो एक्चुअली जब
जो मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रखी थी तो उसका वो छोटा सा क्लिप था, तो वो पता नहीं कैसे मुझसे हो गया और किसी ने भी उस चीज को गौर नहीं किया। मैं अभी मनीष जी के फोन में देखी अपना ब्लॉग, तब मुझे समझ आया, क्योंकि हम लोग अपने फोन से अपना ब्लॉग नहीं देख सकते हैं, ये वाईटी वाला अलाउ नहीं करता। क्या खाया किट्टा, क्या खाया? वो बहुत सता, बार बार किट्टू के पीछे भागना पड़ रहा मुझे अब, नहीं किट्टा। तो चलिए गाइस, आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अब मैं कोशिश करती हूँ, जितने भी कमेंट आता है मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, और कोशिश यही रहता है मेरा कि मैं सबको ही रिप्लाई करूँ, क्योंकि कईयों का क्वेश्चन होता है, मतलब कुछ भी पूछते हैं तो उनका जवाब देना जरूरी होता है, रिप्लाई करना सबसे जरूरी होता है। तो मैं कोशिश करूंगी, सॉरी गाइस, अब मैं सबका रिप्लाई करूंगी। उधर मैं कुछ टाइम से थोड़ा सा परेशान थी, आप लोगों को जैसे पता ही है, और मैं कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी वहां पे, तो थोड़ा जगह भी चेंज करना चाहिए, इसीलिए फिर मैं यहाँ आई हूँ, तो यहाँ अच्छा अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।